बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक है इस्लामाबाद के अंदर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने कोई तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स की जो है वो एक लिस्ट तैयार की है आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि मेरे ख़्याल में जो सबसे बेहतरीन 10 प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। उनमें जो टॉप लिस्ट के ऊपर मौजूद प्रोजेक्ट था वो DHA का प्रोजेक्ट था। ऑब्वियसली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी मौजूद है बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सेफ़ एंड सिक्योर हाउसिंग स्कीम है। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद है उसके अंदर जो DHA है उससे बेहतर प्रोजेक्ट जो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है वो है बहरिया टाउन इस्लामाबाद। बहरिया टाउन इस्लामाबाद जो है वो 1990 में मलिक रियाज हुसैन साहब ने लॉन्च किया और इसको जो है वो बहरिया टाउन ने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया रियल इस्टेट लैंडस्केप को, एक इनोवेटिव कम्युनिटी बनाई, प्लानिंग और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड की। फिर इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई। ऑब्वियसली हमारे यहाँ लोड शेडिंग का बड़ा मसला है तो वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग फ्री प्रोजेक्ट है ये। और इसके अलावा जो यूनिक चीज़ें थी इसके अंदर, जो यूनिक चीज़ें हैं इसके अंदर मौजूद बहरिया टाउन के अंदर, वो इसकी लोकेशन है। बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट मौजूद है। और ये जो है वो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाना जाता है, यानी कि लग्जरी लाइफस्टाइल के इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो थीम्ड हाउसिंग जो है वो ब्लॉक्स हैं इसके सारे, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और गोल्फ़ कोर्स वगैरह इसके अंदर और मिनी गोल्फ, ये सारी चीज़ें जो है वो बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो इस्टेब्लिश किया। ये भी 1990s के पीरियड के अंदर जो है वो बनना शुरू हुआ। हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, मिलिट्री पर्सनल्स को जो है वो इसकी क्या कहते हैं प्लॉट्स मिला करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिविलियंस के लिए भी जगह मौजूद थी। और जो DHA इस्लामाबाद है वहाँ पर सिविलियंस को भी प्लॉट्स जो है वो अलॉट किए गए। फिर इसके अलावा जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो DHA इस्लामाबाद है, चूँकि ये इस्लामाबाद CDA की टेरिटरी के अंदर आता है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। ऑब्वियसली एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं जो कि DHA के अंदर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी कहीं नहीं जाती। DHA की इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, कोई कब्जे का चक्कर नहीं होता, कोई डबल फाइलिंग का चक्कर नहीं होता, कोई जो है वो सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। इसके साथ साथ DHA के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने भी DHA हैं उन सब में यही सिस्टम है, और इस्लामाबाद के जो का जो DHA है वो भी इसी वजह से मशहूर है कि वहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। इसके अलावा जो टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद हैं, कमर्शियल एरियाज़ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हुए हैं वो मौजूद हैं, रिक्रिएशनल एमिनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें क्लब्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। जो इसकी बहुत ही ख़ास यूनिकनेस है वो हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो है वो मॉडर्न लिविंग है, और इसके अंदर जो है वो इदारे जो सिक्योरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के टॉप क्लास इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो प्रोजेक्ट मैंने रखा है इस्लामाबाद का वो है गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, ये IB वालों का प्रोजेक्ट है।
2000s के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी डेवलपमेंट हुई स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो है वो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट है, यानी कि इसके अंदर जो ग्रीन एरिया है, जो आप कहेंगे कि जो सीनरी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर इसके अलावा पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल एरियाज़ और जो है वो डेडिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। जो इसकी यूनिकनेस है उसमें एक चीज़ ये भी ऐड करूँगा कि बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया है, स्पेशियस रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, स्पेशियस प्लॉट्स हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद जो है वो पहला प्रोजेक्ट है जिसने किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है वो फार्म हाउसेस के प्लॉट्स दिए और लोगों ने वहाँ पर फार्म हाउसेस बनाए और उन्होंने फार्म हाउसेस को एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ यूज़ करना शुरू किया, वरना ज़्यादातर फार्म हाउसेस जो हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे या फिर किसी के पर्सनल किसी दूर दराज इलाके में फार्म हाउसेज होते थे, लेकिन ये एक सोसाइटी के तौर पर इसको जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स ने लॉन्च किया और लोगों को बना कर दिया। चौथे नंबर पे जिस प्रोजेक्ट को मैंने रखा है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद है। ये प्रोजेक्ट विजन ग्रुप का प्रोजेक्ट है, अलीम खान साहब ने, अलीम खान साहब का ये ग्रुप है विजन ग्रुप, और 2010 के अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक लैंडस्केप के ऊपर बना हुआ है, बहुत हिली एरिया है, बहुत खूबसूरत सीनरी है इसके चारों तरफ। इस्लामाबाद वैसे ख़ुद ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट की लोकेशन कुछ ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। फिर इसके अलावा मॉडर्न स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और गेटेड कम्युनिटी है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बहुत ही एडवांस किस्म के सिक्योरिटी मेजर्स इन्होंने रखे हुए हैं। यूनिकनेस में जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिक व्यूज़ और लग्जरी लिविंग ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस इसके अंदर जो है वो बनाए गए हैं, और एक्सटेंसिव रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। पाँचवें नंबर पे जिस प्रोजेक्ट को मैंने रखा है वो है 18 इस्लामाबाद, जो कि 2017 में ओरा डेवलपर्स, सैफ ग्रुप और कोहिस्तान बिल्डर्स ने जो है वो मिलकर इसको स्टार्ट किया। इसके अंदर जो है वो क्लब हाउसेस, गोल्फ कोर्सेज, लग्जरी विलास, हाईटेक सिक्योरिटी और प्रीमियम कमर्शियल एरियाज़ मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद के सबसे ज़्यादा आप ऐसे समझ लें जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं CDA के सेक्टर्स के अलावा, उनमें सबसे ज़्यादा लग्जरियस और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट है इस 18, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाया जाता है। इनफैक्ट अभी भी यानी कि जो भी रेजिडेंट वहाँ का होता है उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि वहाँ रहने वालों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ताकि जो सोसाइटी है, जो प्रोजेक्ट है, उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चलाया जा सके। और छठे नंबर पे मैंने प्रोजेक्ट रखा है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कि हबीब रफ़ीक की कोलेबोरेशन के साथ जो है वो बना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये सिर्फ नाम से स्मार्ट नहीं है, जिस तरह से इसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसी तरह इसके अंदर स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, ऑटोमेटेड जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल, पार्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर सेंटर, कमर्शियल एरियाज़, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है जो कि सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी स्मार्ट सिटी है, ऑब्वियसली जिसमें जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल लिविंग ऑप्शंस हैं, स्मार्ट फैसिलिटीज़ जो है वो इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल के साथ दी गई हैं, यानी कि आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने
स्मार्ट तरीके से अपने घर को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, दी गई हैं। और सातवें नंबर पे जो प्रोजेक्ट मैंने रखा है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज़ जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से देखने में आई हैं, लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आएगा अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो। और ये जॉइंट वेंचर है चाइनीज़ कंपनीज़ का, पाकिस्तानी एक कंपनी के साथ। ये लॉन्च किया गया था 2010 के मिड में, और जो है वो सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट की ये है कि इन्होंने फोकस किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। यानी इनके जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं या विलास जो भी वहाँ पर बनने जाएंगे उसके अंदर उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल इन्होंने रखे हैं। और शायद यही वजह है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सीज़ के अंदर ये चला गया, क्योंकि इस तरह के जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इन्होंने प्राइसेस जो हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा लो रखे और लोगों को जो है वो प्लॉट सेल किए हैं। अभी इस वक्त अंडर डेवलप है, ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल के कैसा होगा, किस तरह का होगा, डिलीवर करेगा प्रॉपर्ली नहीं करेगा। लेकिन जो इनका प्लान है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त प्लान है। इसके जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर रेप्लिका है ब्लू मॉस्क का, वाटर थीम पार्क है, कमर्शियल हब्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जो यूनिकनेस है इसके अंदर वो ये है कि ये टूरिज़म ओरिएंटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑब्वियसली जो इसका सबसे ज़्यादा मेन फीचर है वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद जो आठवें नंबर पे मैंने प्रोजेक्ट रखा है वो टॉप सिटी वन है, जो कि 2000 ऑब्वियसली वो भी 2010 के मिड में लॉन्च हुआ। स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, बिल्कुल न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिसाइड, बिल्कुल आप समझ लें वॉल टू वॉल एक तरीके से कहना चाहिए कि न्यू जो न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ये बिल्कुल उसके साथ बना हुआ है। इसके अंदर बेसिक तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वाइड रोड्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर सेंटर है, पार्क है, सिक्योरिटी सिस्टम है। इसकी जो यूनिकनेस है वो अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली टू यानी कि इसका जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से वो कोई मेरा ख्याल है शायद 5 किलोमीटर के करीब है बाय रोड अगर आप जाते हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्ट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से फिर एयरपोर्ट की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। तो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वो हाईली एक्सेसिबिलिटी है इसकी इस्लामाबाद से भी, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो M2 मोटरवे के ऊपर अटैच होता है आके। इसके अलावा जो है वो कश्मीर हाईवे से लिंक होता है ये, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो नाइन्थ नंबर पे मैंने प्रोजेक्ट रखा है वो है यूनिवर्सिटी टाउन। यूनिवर्सिटी टाउन जो है वो 1990s में बना, और ये भी अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से और सीरीन इन्वायरमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर रहा। इसमें भी पार्क्स, स्कूल, मस्जिद, कमर्शियल एरियाज़ और तमाम बेसिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। जो दसवें नंबर पर प्रोजेक्ट मैंने रखा है वो है फैसल टाउन। फैसल टाउन जो है वो ZM इंटरनेशनल ने जो है वो 2010 के मिड में लॉन्च किया। जो है ये लोकेटेड है बिल्कुल मिड में इस्लामाबाद के, यानी कि इस्लामाबाद का जो इस वक्त समझ लें कि एक तरीके से सेंटर कहलाएगा ये वहाँ पर मौजूद है, और एक अच्छी लोकेशन है फैसल टाउन की, और अफोर्डेबल मॉडर्न लिविंग है इसके अंदर, और ऑब्वियसली डेवलप हो चुका है, इसके कुछ नए फेजेस भी आ चुके हैं और लोग वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, अभी तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो सिक्योर भी रही और अच्छी जो है वो फ्रूटफुल भी रही है। इसके अंदर तमाम बेसिक फैसिलिटीज़, तमाम बेसिक चीज़ों के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। फिर इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स और भी हैं, ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं उनका नाम लूँ, उनकी डिटेल्स में जाऊँ, तो मैं सिर्फ नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि ताज रेजिडेंशिया है, मल्टी गार्डन्स हैं, नोवा सिटी है, रोडन इनक्लेव है, किंगडम वैली है, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा नाम रखते हैं, एक अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने की है, एक अच्छा लाइफस्टाइल ये लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को जो है वो दे रहे हैं ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें तो उससे भी उनकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो, और अगर वो वहाँ रहना चाहें तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लिविंग स्टाइल भी वहाँ पर वो लोग इख्तियार कर सकें। तो व्यूअर्स, ये थे टॉप 10 इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।